कलौदा बाजार जिले के नगर पंचायत टुंडरा में पार्षदों का मानदेय को लेकर विवाद हुआ, जिसमें अध्यक्ष सहित पूरे 15 पार्षदों द्वारा सीएमओ टुंडरा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली, सड़क, पानी, नाली, गंदगी सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। एसडीएम गिरौद पूरी, तहसीलदार टुंडरा, थाना प्रभारी गिधौरी की कड़ी मशक्कत के बाद अध्यक्ष सहित पूरे पार्षदों को 15 दिवस के भीतर सभी मांगों को पूरा करने के आदेश दिए हैं। माननीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों का विगत एक साल से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिस संबंध में शासन को बार बार पत्राचार करके अनुदान की मांग की गई है। अभी हमने फिर प्रस्ताव तैयार किया है और कल मैं पर्सनली लेके जाऊंगा। सर, कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर सीएमओ रहते हुए? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल से इन लोग का मानदेय नहीं मिला सर, आगे कुछ इसके पहले कुछ किए थे? नहीं, उनका हर महीना मानदेय जा रहा है, लेकिन यहाँ की वित्तीय स्थिति दयनीय होने के कारण और शासन से अनुदान के ही पर आश्रित हैं और यहाँ आय का स्रोत बहुत ही कम है, इस कारण पर डिले हो रहा है। कितने दिनों का समय दिए लगभग उन्होंने? 15 दिन का समय दिए, 15 दिन में हो जाएगा। और कुछ? मानदेय के अंदर लगाए थे, 3 बार लगाए थे, 2 बार पूरा लगाए थे, इसका बीच में और लगाए थे, इसके 3 दिन पहले लगाए थे कि अगर मानदेय हमें नहीं मिलता तो हम अनिश्चित कार्य हड़ताल करेंगे, तालाबंदी करेंगे। कितना मानदेय कितने सालों से नहीं मिले हम लोग का? 1 साल से। कितना है लगभग? लगभग 9 लाख के आसपास है। अभी सीएमओ से मुलाकात हुई, एसडीएम से मुलाकात हुई, क्या बोले अधिकारी? आश्वासन दिए कि 15 दिन का समय मांगे हैं कि 15 दिन तक मांग पूरा हो जाएगा। अभी क्या करने वाले हैं फिर? हम लोग अभी बैठेंगे शांति, कोई तालाबंदी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं जो धरना को जारी रखे हैं। ये आपका नाम और पदनाम? मोतीराम साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत टुंडरा। मुख्य 2-3 कारण है। अभी जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो बताए हैं मानदेय, और मानदेय जैसे अपना मूलभूत सुविधा है, जैसे अभी आज से नवरात्रि प्रारंभ है, जो गली में स्ट्रीट लाइट पेठो वार्ड में तो बंद ही है, रही बात साफ सफाई तो पूरे नवरात्रि पर्व में 9 दिन तक मेला जैसे भीड़ का आना जाना रहता है। और अभी सीएमओ के द्वारा पूर्व परिषद बैठक में भी कहा गया था पूरे परिषद बाड़ी की ओर से कि आप तत्काल नवरात्रि के 2 दिवस पूर्व साफ सफाई और अपना बिजली का सुव्यवस्थित करें, जो कि उसके मनमानी को देखते हुए हताश निराशा होकर पूरे नगर की 15 वार्ड यानी पूरे नगरवासी की ओर से हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का मजबूर हुए। अभी एसडीएम से क्या बातचीत हुई, आश्वासन दिए? एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि कम से कम 15 महीने दिन का समय दो और जितने आपकी समस्या हो सब सुलह हो जाएगा, लेकिन हम लोग पूरे अध्यक्ष और पार्षद सहित ये निर्णय लिए हैं कि जब तक अपने जितने समस्या का निवारण नहीं होते तक अपना अनिश्चितकालीन धरना नहीं तोड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम गीताराम पटेल, पूर्व अध्यक्ष अभी वर्तमान पार्षद।